टुडे स्टार्टिंग फ्रॉम हियर हम पढ़ रहे थे पैलियोलिथिक एज स्टोन एज के बारे में स्टार्ट कंटिन्यू बोथ लार्ज एंड द स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन वर यूज्ड टू मेक टूल्स एंड वेपन्स एक्सिलीज हैमर्स एंड चॉपर वर मेड फ्रॉम द लार्ज स्टोन पीसेस द एक्स लाइट वॉज टाइड टू स्टिक द मेड टू कन्वीनियंट टू यूज Knives and scrapers are made to form smaller pieces of stone. Some stones were given a sharp point and tied to arrow and spears. They were helpful in hunting animals from a distance. तो हम यहाँ पे स्टोन एज की बात कर रहे थे किस तरीके से स्टोन को यूज़ किया जाता था उनके स्मॉल और लार्जेस्ट पीसेस को हर एक तरीके से उनको यूज़ किया जाता था यानी कि वेपन्स बनाने के लिए हथियार या फिर कोई औजार बनाने के लिए तो उनसे हथौड़े या फिर चॉपर जिनसे वो कुछ कटिंग कर सकें ये सब चीज़ें अपने यूज़ के लिए वो बनाते थे और वो मतलब कि जो इन नाइव्स वगैरह बनाने थे वो हेल्प कर उनसे वो मतलब स्टोन के पीसेस को कट करने में हेल्प करते थे नाइव्स और स्कैपर जो होते थे और वो एक मतलब तीर टाइप भी बनाया करते थे तीर शार्प पॉइंटर जिससे वो एनिमल्स की हंटिंग कर सकें काफ़ी दूर डिस्टेंस से वो तीर वगैरह बनाया करते थे या फिर बाण वगैरह बनाया करते थे रिमेन्स ऑफ द बोन्स एंड द हॉर्न्स एंड द टस्क ऑफ एनिमल्स सच एज द वाइल्ड ऑक्स एंड द एलिफेंट सम विद वेपन्स एम्बेडेड इन देम सजेस्ट दैट दीज एनिमल्स वर हंटेड पिट्स वर समटाइम्स डग द कवर्ड विद लीव्स एंड ट्विग्स टू ट्रैप लार्ज एनिमल्स द एनिमल्स दैट कुड नॉट बी गेट आउट वर किल्ड तो उस टाइम भी क्या हुआ करता था हंटिंग हुआ करती थी हंटिंग के अंदर कुछ मतलब ऐसे जानवर भी आ जाते थे एनिमल्स आ जाते थे जिनके बहुत बड़े बड़े बोन्स हुआ करते हैं या फिर हॉर्न्स हुआ करते हैं सींग या फिर टस्क जैसे कि एलिफेंट के बड़े बड़े दांत हुए उनको वो यूज़ कर लिया करते थे फिर उनको हंटिंग करने के बाद में वो कुछ ऐसे गड्ढा बना के पिट्स वगैरह बना के उनको लीव्स के साथ में कवर्ड करते थे ताकि किसी को पता ना लगे और एनिमल जो है उसके अंदर ट्रैप हो जाए और फिर वो उसके अंदर ट्रैप हो जाता फिर वो उसको हंट करते देन उसकी बोन्स वगैरह जो होती थी उनको यूज़ करते वो वाइल रबिंग टू पीसेस ऑफ स्टोन और वुड टुगेदर दे माइट हैव एक्सीलेंट डिस्कवर्ड हाउ टू लाइट फायर फायर वॉज मेजर डिस्कवरी ऑफ दिस एज अब यहाँ पे बात आती है फायर की फायर ये डिस्कवरी कैसे हुई उसको हॉर्न में कैसे लाया गया ये वो क्या बोला जाता है कि टू पीसेस स्टोन के दो पीसेस या फिर वुड के उनको अगर अच्छे से आपस में घिसाया जाए उनको रब किया जाए तो उससे आग लग जाती है अर्ली ह्यूमंस केप्ट फायर बर्निंग एट द एंट्रेंस ऑफ हिज केव टू प्रिवेंट वाइल्ड एनिमल्स एंड ग्रेजुअली प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग कुक फूड वॉज स्टार्टेड तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जो ऐसे ह्यूमंस हुआ करते थे आदिमानव हुआ करते ये अपनी गुफाओं के बाहर आग जला लिया करते थे जो कि इनको हेल्प करता था मतलब जंगली जानवरों से बचने में और साथ ही उसी आग से वो खाना वगैरह भी कुक कर लिया करते थे मेजर पैलियोलिथिक साइट्स साइट्स आर दोज प्लेसेस फॉर आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर टूल्स इंप्लीमेंट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स ऑफ द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस दीज आर्टिफैक्ट्स एनेबल टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड एंशिएंट प्रोसीजर्स हैड लाइट कुछ ऐसे साइट्स हैं जो कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं इतिहास के अंदर जो कि आर्कियोलॉजिस्ट ने उन्होंने इन चीज़ों के बारे में बताया है कि किस तरीके से ये कुछ ऐसे टूल्स हुआ करते थे या फिर कुछ ऐसे इम्प्लीमेंट्स आर्टिफैक्ट्स हुआ करते थे जिनका हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हिस्टोरिकल साइट्स हैव बीन फाउंड इन द अर्थ सर्फेस अंडर द अर्थ एंड इवन अंडर वाटर सम ओकेशंस A number of such sites associated with the Paleolithic age have been discovered across the Indian subcontinent. इस मतलब हमारे हिस्टोरिकल साइट के कुछ ऐसी मतलब चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि हमारे अर्थ का सरफेस हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर या फिर नीचे या फिर पानी में ऐसी कुछ चीज़ें पाई जाती हैं जो हमें डिस्कवर्ड करती हैं हमारे इंडिया को सब कॉन्टिनेंट के अंदर कि किस तरीके से जो वाटर बॉडीज़ हैं वो कहाँ पर लोकेट करती हैं कहाँ पे मिलती हैं जाके इन सब चीज़ों के बारे में मोस्ट ऑफ दीज साइट्स आर लोकेटेड नियर लार्ज वाटर बॉडीज सच रिवर्स लेक एंड स्प्रिंग्स एंड अदर स्टिकिंग
फीचर ऑफ दिस साइट्स दे लोकेटेड इन एरिया स्टोन आर अवेलेबल इन प्लेंटी। तब जिस जहाँ पर ये लेक्स वगैरह हुआ करती थी या फिर वाटर बॉडीज हुआ करती थी वहाँ पर ईजिली स्टोन जो था अवेलेबल हुआ करता था। दिस रीजन मेक्स अथॉरिटी यूज टू स्टोन टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स फॉर हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। तो इसी तरीके से इसी स्टोन को यूज़ कर लिया करते थे ह्यूमंस अपने टाइम के अंदर, ताकि इनसे वो टूल्स बना सकें, हंटिंग कर सकें और फूड गैदरिंग भी कर सकें। पीपल वर स्टोन वेयर स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंटेड इन नोन एज फैक्ट्रीसाइट्स। Paleolithic people led a nomadic life. It can be presumed that they might not have stayed for long. However, there are some sites where they might have lived for a long period. Nomadic tribes या फिर lives होती हैं जो जो मतलब कि humans हैं एक जगह से दूसरे जगह पर रहते हैं, अपना घर जो था मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर shift करते थे झोपड़ियाँ बना के, तो ये ज़्यादा time तक जिंदा नहीं रह पाते थे क्योंकि इनको अपनी हर सफिशिएंट चीज़ें जो थी टाइम टू टाइम नहीं मिल पाती थी कभी कभार। दिस एविडेंट फॉर द टाइप्स ऑफ द आर्टिफैक्ट फाउंड देयर विच इंक्लूड नॉट ओनली स्टोन टूल्स बट ऑल्सो द ऑब्जेक्ट एंड द स्ट्रक्चर्स द यूज फॉर अदर पर्पज। इनके पास में सिर्फ स्टोन ही नहीं बल्कि स्टोन से बने हुए टूल्स नहीं बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें या फिर चीज़ें भी मिलती थी जो कि अदर पर्पज़ के लिए वो यूज़ किया करते थे। सच साइट्स आर कॉल्ड Habitian cum factory sites. Most of these sites associated with the Paleolithic people are rock shelter and caves. People might have chosen these places for the purpose for habitation because they could protect from them and heat and rain and wind. Such places also protected them from the animals, wild animals. Most of these rocks, shelter and caves have been found near the विंध्यास एंड इन द डेक्कन प्लेट्यू रीजन लिंक क्लोज टू द नर्मदा वैली। तो इन्होंने अपना ये जो ट्राइब्स हुआ करती थी इन्होंने अपना एक हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट बनता है कि जिस इन्होंने अपने शेल्टर्स वगैरह शुरू कर दिए, इन्हें रहना शुरू कर दिया, कहीं पे एक ठिकाना हो गया इनका कि इन्होंने अपने शेल्टर्स बनाने केव्स बनाना शुरू कर लिए अपना सर छुपाने के लिए, धूप से गर्मी से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए और ख़ासकर वाइल्ड एनिमल से बचने के लिए। ये सभी जो मतलब इनकी जो रॉक्स शेल्टर्स हैं ये आज भी पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? विंध्यास या फिर नर्मदा वैली के पास में, इस खाड़ी के पास में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। सब इम्पॉर्टेंट पैलोथिक लिथिक साइट्स आर इंडियन इंक्लूडिंग मिर्जापुर जैसे कि उत्तर प्रदेश में, भीमदा भीमबेटका मध्य प्रदेश में, पूना चिकरी निवासा बोरी महाराष्ट्र, कुरनूल आंध्र प्रदेश एंड हुंगसी कर्नाटका। तो इस तरीके से ये सभी चीज़ें इनसे रिलेटेड है। ये पैलियोलिथिक साइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है ये सभी जगह।